हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के पॉइंट्स करेंगे। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है प्लस वन के बच्चों के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मिन्यूट सेल्स विच आर स्मॉलेस्ट एंटिटीज दैट कैन बी कॉल्ड लिविंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स मीन्स दैट कैन टेक ऑक्सीजन, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे वो किससे बनेंगे? छोटे छोटे यूनिट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट एंटिटीज, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उनकी जो बॉडी बनती है छोटे छोटे सेल से बनती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नेक्स्ट वन इज सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म मीन कोई भी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो वो वाला सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या है? अ सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है, ठीक है, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कोई भी सेल हो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कब होगा? जब उसमें क्या होएगा? न्यूक्लियस होएगा, और दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन जो सेल है, सेल के सराउंडिंग कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये होगी सेल मेम्ब्रेन, तो इसके सेंटर में क्या होएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सारा का सारा क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है जितने भी सेल्स हो वो सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो, या हर एक सेल का एक ही फंक्शन हो। नो, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो शेप, साइज, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जो भी कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, या उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसके अंदर जो भी इंट्रैक्शंस हो रही हैं। तो बच्चे, सिंपल सी है सेल थ्योरी मीन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो, दैट आर मेड अप फ्रॉम सेल्स, ठीक है जी। उसके अंदर क्या होएगा? सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस होएगा, एंड सेल के सराउंडिंग कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। नेक्स्ट, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, एंड उसकी एक्टिविटीज भी डिफरेंट होगी, और हर सेल के अंदर आपस में क्या होगी? इंट्रैक्शंस होगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। तो बच्चे, ये है हमारी पास सेल थ्योरी, तो ध्यान से करना। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।